आज का शीर्षक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि लेटरल एंट्री क्या होती है। लेटरल एंट्री की मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। लेटरल एंट्री क्या होती है, एल ई क्या होती है। लेटरल एंट्री सही वाले में मान लीजिए कि कोई होता 3 साल का डिप्लोमा करता है पॉलिटेक्निक से, मान लीजिए 3 साल का या 2 साल का डिप्लोमा करता है, मान लीजिए 3 साल का डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में करता है या 2 साल का करता है, तकरीबन हर स्टेट हर राज्य उसको अधिकार देता है कि वो होता दूसरी के बाद ही है, वो वाली के समकक्ष हो जाता है, खासकर हायर एजुकेशन के लिए। नौकरी के लिए चाहे ना हो, हायर एजुकेशन के लिए प्लस टू दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब ये बच्चा अगर बीएससी या एमएडी करना चाहे, योगी डिग्री कोर्स है इसके लिए प्लस टू चाहिए, उसको प्लस टू करनी नहीं पड़ती, वो सीधा का सीधा 3 साल वाले कोर्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 साल की बीएससी एमएडी होती है, उसको तकरीबन हर यूनिवर्सिटी दूसरे साल में एडमिशन दे देती है। इसको कहते हैं लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री क्या होता है कि जिसके बेस पे बंदा डिग्री कोर्स में एंटर कर जाए, 10वीं पास ही बगैर प्लस टू वाला, ठीक। अब लेटरल एंट्री कई जगह पे होती है, अब वो समझाते हैं आपको। अब आज का जो शीर्षक है हमारा वो है सीएनएसईडी वाले और बीएससी नर्सिंग वाले बहुत बार पूछ चुके हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन में क्या कोई ऐसा रूल आया है कि सीएमएसईडी 1.5 या 2 साल की या 3 साल वाली जो भी है उसको एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में एडमिशन दे दी जाए लेटरल एंट्री के जरिए या फर्स्ट ईयर में दे दी जाए। क्या ऐसी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है? भाई दुनिया में तो प्रोबेबिलिटी से बड़ी बड़ी है। जब आप प्लस टू में थे तो प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे, जैसे कि ये पंखा चल रहा है तो पंखे के बारे में उन्होंने बताया था कि सेंटर में न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इस एरिया में जहां जहां पंखे के ब्लेड चल रहे हैं, क्योंकि पंखे का ब्लेड हर जगह तो है नहीं, मगर जब वो घूमता है तो है। ऐसे ही उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इतनी ज्यादा है न्यूक्लियस के चारों तरफ कि एवरी मूवमेंट देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग देम इज मैक्सिमम। बिल्कुल ऐसे ही प्रोबेबिलिटी तो हर चीज की होती है, और ड्रीम भी करना चाहिए और जद्दोजहद भी करनी चाहिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं, आइडिया नहीं देंगे, थॉट नहीं आएगी, आइडिया नहीं होगा, इनोवेटिव क्रिएटिविटी नहीं होगी दुनिया में। कोई सोचेगा नहीं, आइडिया आएगा थॉट से आएगा तो इन्वेंशन होगी, कोई नई आविष्कार होगा। तो बीएससी नर्सिंग वाले भी कहते हैं क्या बीएससी एमबीबीएस के लिए ऐसा लेटरल एंट्री का प्रावधान है? अभी नहीं, मगर नेशनल मेडिकल कमीशन में जिस दिन ये रूल आ गया या एक्ट में ये संशोधन कर दिया गया तो ये हो सकता है। मगर ये एक चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, बहुत जरूरी है, कि अगर इनको लेटरल एंट्री मिली तो बीएमएस वाला भी कहेगा कि मेरे को दो, बीडीएस वाला भी कहेगा मेरे को दो, बीएचएमएस वाला भी कहेगा मेरे को दो, बीडीएस वाला भी कहेगा, और जो बीयूएमएस वाला है वो भी कहेगा मेरे को दो, बीपीटी वाला कहेगा मेरे को भी दो, और बीएससी एमएलटी वाला भी कहेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैटर करती हैं। जब घर में दो बच्चे हो तो आपस में कंपटीशन हो जाता है सिबलिंग्स के दरमियान कि लड़के के साथ मम्मी ज्यादा करती है या पापा लड़की के साथ करते हैं। दोनों ही लड़के हो तो भी कहती है, दोनों ही लड़की हो तो भी कहती है छोटे से आप ज्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों हर चीज की प्रोबेबिलिटी होती है, तो आसमान हर बंदा मुट्ठी चाहता है और कुछ ना कुछ जिंदगी में मिल जाता है, ठीक है। पॉजिटिव रहना सीखो, मोटिवेशनल बनो।
और अपना काम करते रहो टाइम के साथ, बड़ी से बड़ी ऑब्स्टिकल्स भी आपका रास्ता छोड़ देगी। जैसे कि झरना चलता है, बहुत सुंदर म्यूजिक आता है, मगर कभी आपने सोचा है सुंदर म्यूजिक पानी का अकेला पानी का नहीं आता, जब पानी पत्थर से टकराता है तो म्यूजिक पैदा होता है। जितने ज्यादा रास्ते में पत्थर होंगे उतना बढ़िया म्यूजिक होगा। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल, और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9872468540 और हमारी वेबसाइट www.karamedicalcare.com। धन्यवाद।